आदरणीय रघुवंश बाबू जी, हम सब लोगों के अभिभावक रहे और पार्टी के एक मजबूत स्तंभ, एक प्रखर समाजवादी नेता, गरीबों की आवाज़ और ख़ास तौर पे हमारे पिता से जो संबंध रहे उनके, पिता के नहीं रहने के बाद जो मार्गदर्शन, जो गाइडलाइंस जो उनका रहा, हम कभी अपने आप को अकेला नहीं समझते थे। आज उनके निधन की खबर सुनकर के हम लोग सब लोग जो है मर्माहत हैं, दुखी हैं और कोई शब्द नहीं है जिस शब्द को हम लोग जो हैं व्याख्या कर सके। लेकिन लंबे समय से कोरोना पॉजिटिव होने के बाद निमोनिया की भी शिकायत थी। जब पटना के एम्स में जब भर्ती हुए तो हमारी बात हुई, डॉक्टरों से भी बात हुई थी। हम लोग सब लोग कामना करते थे कि जल्दी स्वस्थ होकर के, ठीक होकर के वापस आए। फिर आनंद फानंद में जब दिल्ली गए, हमारी जब बात हुई, जब वो दिल्ली जिस दिन एम्स में एडमिट हुए उस दिन भी हमारी फ़ोन पे उनसे चर्चा हुई, बात हुई। पूरी बॉडी चेकअप कराने के लिए वो दिल्ली गए थे, टेस्ट रिपोर्ट आना था। और कुछ चंद दिन पहले जो है हम दिल्ली उनसे ख़ास तौर पे मिलने गए थे दिल्ली के एम्स में, और हमारी मुलाकात भी हुई थी। लगभग 1.5-2 घंटा हमारी उनसे मुलाकात हुई, हर एक बिंदुओं पे उनसे चर्चा की गई और हमने उनसे यही कहा कि आप जल्द स्वस्थ होकर के आप जल्दी वापस आइए। उन्होंने यही कहा कि हम जल्द स्वस्थ होकर के हम आएंगे और बिल्कुल अकेला करके चले गए हम लोगों को। ये हम लोगों को ये उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी जल्दी ये खबर आएगी। लेकिन हालांकि हमारी जो डॉक्टरों से जो बातचीत लगातार चलती रही उनसे, तो हमको जो डॉक्टरों ने वहाँ के बताया कि उनको लंग्स कैंसर की समस्या रही, ये बात पता थी। लेकिन जो है पब्लिक में ये मैसेज ना जाए कि उनको लंग कैंसर है, क्योंकि इलाज जो है वो चल रहा था, इसलिए हम लोगों ने इसकी चर्चा कहीं नहीं की। और हमारा कर्तव्य बनता था, फ़र्ज़ बनता था कि उनसे मिले, क्योंकि ऊर्जा का केंद्र रहे वो। और कभी भी मतलब हमारा भी जो रिश्ता रहा, सामाजिक राजनीतिक चर्चाएं तो चलती ही रह करती थी, लेकिन एक पारिवारिक संबंध हम लोगों के बीच लगातार कायम रहा। इस मुश्किल घड़ी में जब हमारे पिता हमारे साथ शारीरिक रूप से नहीं रहे, रांची रिम्स में रहे, तो हमेशा ऊर्जा देने का काम, मनोबल को बढ़ाने का काम उन्होंने किया। मुझे याद है कि जब सरकार जब बदली, जब नीतीश कुमार जी ने इस्तीफ़ा देने का काम किया था, इस्तीफ़ा देने के बाद बीच में आप सब लोगों को पता है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का रेड जो पड़ा था, तो सबसे पहले आदरणीय रघुवंश बाबू ने आकर के हौसला बढ़ाया था। उस समय भी आदरणीय लालू जी रांची के कोर्ट के ट्रायल में वहाँ थे, तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोगों अकेले हैं उनके रहते हुए। और हम लोग जब चर्चा चल रही थी एम्स में, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि ये स्थिति आएगी, ये नौबत आएगी। बड़ा हौसला उस समय भी रात दिल्ली के एम्स में मेरा बुलंद किया और उस समय भी कह रहे थे कि मैं आऊँगा और मिल कर के चुनौती बाकायदा पूरा आशीर्वाद जो है उस समय हमको देने का काम किया था।
और हम लोगों को भी लगता था कि रघुवंश जी जल्द ही अपनी बीमारियों से रिकवर कर कर के अपनों के बीच आएंगे। आप लोग सब लोग जानते हैं कि उनका राजनीतिक अनुभव जो रहा है बड़ा लंबा रहा है, प्रखर एक समाजवादी नेता के रूप में रहा है और हमेशा ज़मीनी स्तर पे वो रह करके काम करते थे, लोगों से जुड़े हुए थे, गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से। एक संघर्ष करने की जो ऊर्जा उनमें रही है वो हम लोग कभी भी इनकार नहीं कर सकते। उनसे काफ़ी कुछ हमको सीखने को मिला, इसलिए बड़ी दुख की बात है। अभी हमारे उनकी पुत्र से भी बात हुई, जब ये खबर न्यूज़ चैनलों में चल रहा था कि रघुवंश बाबू नहीं रहे तो यकीन नहीं हो रहा था हमको। उनके पुत्र सत्यप्रकाश जी से हमारी बात हुई है और इस बात को लेकर के सब लोग जो हैं मर्माहत हैं, तो इसमें को हम चाहेंगे कि उनकी आत्मा को जो है शांति मिले और इस दुख की घड़ी में हम उनके परिजनों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। और जो रघुवंश जी का जो सपना था उसको आगे ले जाने का हम लोग काम करेंगे।